दोस्तों, मैं तुहाडा होस्ट कुलविंदर सिंह मोहार। अब पिछे एक वीडियो वायरल हुई है जिदे विच दस्या गया है कि जो आप लॉकडाउन दे विच किसी भी मॉल जां किसी भी हस्पताल दे विच एंटर हुंदे सीगे ते अपने शरीर दा टैंपरेचर चैक करन वास्ते थर्मोमीटर गन जिहड़ी अपने मत्थे ते ला के अपनी बॉडी दा टैंपरेचर चैक कीता जांदा सी। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਵੇਵਜ਼, ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੇਵਜ਼ ਮਾੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਜੋ ਗਨਸ ਹੈ ਹੋਤੇ ਨਾ ਵੀ ਯਹਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਜਬ ਕਹੀਂ ਆਪ ਜਾਤੇ ਹੋ, ਤੋ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਐਸੇ ਫੈਲਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਫੈਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜਬ ਇਹ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਜੋ ਰੇ ਦੇਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸੇ ਬ੍ਰੇਨ ਪੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਨੀਅਲ ਗਲੈਂਡ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਇਸਕਾ ਅਸਰ ਹੋਤਾ ਹੈ। देखिए, लेट मी शेयर विद यू, इसका कोई प्रूफ नहीं ऐसा है साइंटिफिकली कि इसकी रेज कोई इन्फ्रारेड जाती हैं ब्रेन में और ब्रेन को कोई नुकसान करती हैं। इसमें इन्फ्रारेड रेज रिलीज ही नहीं होती, ये तो जो इसका सेंसर है जो इन्फ्रारेड रेज आपके फोरहेड से रिलीज होती हैं उसको सेंस करके बताता है टेम्परेचर कितना है, इससे नहीं कोई रिलीज होता। तो ये गलत है कहना कि इन्फ्रारेड रेज रिलीज होती हैं जो ब्रेन को अफेक्ट कर सकती हैं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, गलत है। कई लोग ठीक है आजकल वो स्किन को ऊपर लगा के भी देखते हैं तो उससे भी टेम्परेचर पता लगता है, बट ऐसा कोई हार्म नहीं है, ये आपको थोड़ा सा बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, कोई इशू नहीं है इस पर।